लगा रहे हैं। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मैं कान खोल करके सुन ले, हमने चाय बेची है इसका गर्व है, लेकिन हमने देश बेचने का पाप नहीं किया। तो अब गुजरात की सीमाओं को तोड़कर मोदी दिल्ली की तरफ रास्ता बना रहे थे और सूबे की राजनीति से बड़ा उनका कद उन्हें दिल्ली की तरफ ले आया। ९५ का दौर था, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के कद को बढ़ाते हुए उन्हें और जिम्मेदारियां दी। पार्टी ने मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव समेत 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी भी बना दिया। 1998 में उन्हें संगठन महासचिव बनाया गया। इस पद पर मोदी अक्टूबर 2001 तक काबिज रहे, लेकिन 2001 में मोदी की जिंदगी में टर्निंग प्वाइंट आया। इस मोड़ ने ही नरेंद्र मोदी की जिंदगी बदल कर रख दी। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान सौंप दी। मोदी की राजनीति का ग्राफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन साल 2002 मोदी के राजनीतिक करियर के लिए बड़ा बुरा साबित हुआ। दरअसल गुजरात दंगों की आग में जल उठा था। 27 फरवरी की सुबह साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची। उसका एक कोच आग के लपटों से घिरा हुआ था। कोच में मौजूद यात्रियों में ज्यादातर कार सेवक थे, जो राम मंदिर आंदोलन के तहत अयोध्या में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इनमें 69 कार सेवकों की मौत हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को राज धर्म निभाने की सलाह दी। मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। जब मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात होने लगी, उस समय तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी उनके समर्थन में उतर आए और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर संकट में आया। उनके राजनीतिक रिटायरमेंट की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी थीं, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ और ही सोच रहे थे। दिसंबर 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने बम्पर जीत हासिल की। इसके बाद 2007 और फिर 2012 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में जीती। मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। विजय किसी को पराजित करने के लिए नहीं है, ये विजय 6 करोड़ नागरिकों को जीतने के लिए। मोदी का कद बढ़ा नहीं, बल्कि हिमालय बनकर सबके सामने खड़ा हो गया। बीजेपी में उनका कद दिग्गजों की सीमाओं को छूने लगा था। साल 2014 का था। देश में तत्कालीन मनमोहन सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरी तरीके से घिर चुकी थी। देश में बदलाव की बयार बह रही थी और भारतीय जनता पार्टी को तलाश थी एक ऐसे पीएम पद के नेता की जो जीत की गारंटी बन सकता। लगातार 2 बार केंद्र की सत्ता से दूर रह चुकी बीजेपी पर
मजबूत नेतृत्व का संकट था। अटल जी राजनीति को लगभग अलविदा कह चुके थे। आडवाणी का जादू चलना भी अब कम सा हो गया था और चुनाव सिर पर था। यूं तो बीजेपी के पास दावेदारों की कमी नहीं थी, लेकिन पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो सत्ता की गारंटी बन सके। इधर गुजरात की गद्दी पर काबिज नरेंद्र मोदी की नजर देश की सत्ता पर थी और यहीं से मोदी युग की शुरुआत हुई। देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ था। पूरा देश चुनावी रंग में रंग चुका था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने पीएम पद के नेता का ऐलान तक नहीं कर पा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पीएम पद के नेता का ऐलान कर दिया था। 13 सितंबर 2013 को बीजेपी में संसदीय बोर्ड की एक बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन हो, इस पर मंथन चल रहा था। पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। पूरा देश मोदी मोदी के जयकारों से गूंजने लगा। देश बदलाव के मूड में आ चुका था। नरेंद्र मोदी ने 2 लोकसभा सीटों वाराणसी और बड़ोदरा से चुनाव लड़ा। दुश्मन हो जा खबरदार। वैसे तो काशी की गलियां परंपराओं की पीठ पर सवार रहती हैं, लेकिन विकास के बगैर काशी की गलियां टूटी ईंटों की दरारों में अब दब चुकी थीं। अपनी मस्ती में जीने वाले बनारस ने भी नरेंद्र मोदी पर इत्मीनान किया और मां गंगा ने अपने बेटे के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। देश में नरेंद्र मोदी का मैजिक कुछ ऐसा चला कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर एक बार फिर से जिंदा कर दिया और इस देश की राजनीति में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ने बिठा दिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 के चुनाव में शानदार जीत हासिल की। अकेले बीजेपी ने 282 सीटों पर कमल खिलाया और 26 मई 2014 भारत के इतिहास की वो तारीख थी जिसने एक चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बना दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी ने देश की वैश्विक छवि को और मजबूत करने के लिए तमाम विदेशी दौरे किए और आतंक की कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी जैसा एक ऐतिहासिक फैसला भी नरेंद्र मोदी ने लिया। ये वो तारीख थी जब मोदी ने आतंक की कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं
कानूनन अमान्य होगी। विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन देश की जनता मुश्किलों की दीवारों को फांदकर मोदी के साथ डटी रही। देश कह रहा था, मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश मजबूत स्थिति में आने लगा और भारत दुनिया से कदम मिलाकर चलने लगा। मोदी ने पाकिस्तान की औकात बताते हुए उसे घर में घुसकर मारा। वक्त धीरे धीरे ढलता गया और केंद्र की मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के लगभग 5 साल पूरे होने को थे, यानी कि देश की जनता के सामने बतौर प्रधानमंत्री और बतौर नेता नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जाना था। लिहाजा विपक्ष पूरी तरीके से लामबंदी करके नरेंद्र मोदी के सामने एकजुट होकर खड़ा हो गया। विपक्ष ने एक धागे में देश की सारी पार्टियों को पिरो लिया था कि अब अगले 5 साल मोदी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सियासत के इस गाढ़े वक्त में मोदी को हटाने के लिए सदियों के दुश्मनों ने हाथ तक मिला लिए। नारे उछाले गए, चौकीदार चोर है, लेकिन 125 करोड़ के इस देश ने फिर से देश का भाग्य उस भाग्य विधाता के नाम कर दिया जिसे दुनिया नरेंद्र मोदी कहती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 30 मई 2019 को एक बार फिर यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है और उनके नाम से ही जीत मुमकिन हो जाती है। संघर्षों की गलियों से अपनी किस्मत की लकीरें लिखने वाले मोदी ने मुल्क को एक नई दिशा दी, तरक्की की नई इबारतें लिखी, दुनिया में भारत का दबदबा कायम किया और सियासत की नई परिभाषा गढ़ दी। न खाया न किसी को खाने दिया। भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों में भेज दिया। मोदी नाम एक ब्रांड बनकर राष्ट्रीय स्तर पर छाने लगा। सोशल मीडिया, रेडियो या फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म, हर जगह बस ब्रांड मोदी का जलवा बिखरने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक फैसला लेने वाले नेता के तौर पर होती है जो कभी अपने संकल्प से समझौता नहीं करता, जो देश के खातिर फैसले लेने में अपने कदमों को कभी पीछे नहीं हटाता। हिंदुस्तान को आंखें दिखाने वाले पाकिस्तान को 2 बार हिंदुस्तान ने सबक सिखाया और पाकिस्तान हाथ मलता रह गया। इसके पीछे पीएम मोदी का वो पराक्रम ही है जिसने पीएम मोदी को एक ब्रांड बना दिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग सा पड़ गया, तो इसके पीछे भी पीएम मोदी नाम का वो ब्रांड है जिसका सिक्का अब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में भी चलता है। जब बात आधी आबादी के हक की आई तो मोदी मुस्लिम महिलाओं के सामने एक कवच बनकर खड़े हो गए। 3 तलाक जैसे एक कानून को पारित कर देश के सामने एक नई परिभाषा महिला सुरक्षा की गढ़ी गई। मोदी का ये युग अनंतहीन है, कभी न रुकने वाला समय है। ये खुश नसीबी है हमारी
आपकी कि हम मोदी के इस युग के गवाह हैं। सिर्फ सिर्फ एक ही भाव भारत माता की जय, जो आने वाली नस्लों को बताएगी जिसने कभी जेपी को नहीं देखा, जिसने कभी वल्लभ भाई पटेल को नहीं देखा, जिसने कभी गांधी जी को नहीं देखा, जिसने भगत सिंह को भी नहीं देखा, लेकिन वो देखें नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। ईश्वर ने महानताओं के मिश्रण से बनाया एक नाम जिसे दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।